पंचायत समिति उपप्रधान सीट पर भी मंगलवार को जनता सेना ने कब्जा जमा लिया। उपप्रधान चुनाव में हालांकि मतदान के लिए केवल 21 सदस्य ही पहुंचे, भाजपा के 2, कांग्रेस का 1 व जनता सेना का 1 सदस्य मतदान करने नहीं पहुंचा। जनता सेना के देवीलाल जाट को 13, कांग्रेस की तारा ढाकड़ को 7 व नोटा पर 1 मत गया। रिटर्निंग अधिकारी अनिल कुमार शर्मा ने देवीलाल जाट को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। उपप्रधान चुनाव के लिए सुबह 10 से 11 बजे जनता सेना से देवीलाल जाट व कांग्रेस से तारा ढाकड़ ने आवेदन किया। दोपहर 3 से 5 बजे मतदान के दौरान कांग्रेस की तारा ढाकड़ के समर्थन में 9 सदस्य मतदान करने पहुंचे। वहीं जनता सेना के देवीलाल जाट के समर्थन में जनता सेना के 11 व कांग्रेस की ललिता सोनी पहुंची। मतदान के निर्धारित 5 बजे तक भाजपा के पूर्व उपप्रधान कमलेश पोखरना, नारायण लाल भील, कांग्रेस की रेखा चौधरी व जनता सेना के लक्ष्मण मीना मतदान करने नहीं पहुंचे। इसके बाद मतगणना शुरू हुई, जिसमें जनता सेना के देवीलाल जाट को 13 मत, कांग्रेस की तारा धाकड़ को 7 मत। इससे कांग्रेस के खेमे में फिर से गुटबाजी देखने को मिली, जिसमें 1 सदस्य ने जनता सेना को मत दिया तो दूसरे ने नोटा पर डाला। जनता सेना के देवीलाल जाट के उपप्रधान पद पर निर्वाचित होने के बाद पंचायत समिति परिसर में सैकड़ों कार्यकर्ता जिंदाबाद की नारेबाजी करने लगे। यहां पर कार्यकर्ताओं ने देवीलाल जाट को साफा व माला पहनाकर अभिनंदन किया और कंधे पर उठा करके जश्न मनाने लगे। इसके बाद सभी कार्यकर्ता वाहनों से भिंडर के सूरज पोल पहुंचे। वहां से विधायक रणधीर सिंह भिंडर के नेतृत्व में प्रधान रेखा कुंवर उप प्रधान देवीलाल जाट के साथ पैदल जुलूस के रूप में अपने निवास पर पहुंचे। कानोड़ा कांग्रेस का पार्षद जो है भाजपा ने वोट दी, और यदि पंचायत समिति में चुनाव हुआ तो भाजपा रा पंचायत समिति सदस्य कांग्रेस रा प्रधान ने वोट दी थी। तो और जो कुछ भी हो वनडे बारे में पूरा राजस्थान में जानकारी है, और एक एक बच्चों जाने कि यो चीज जो भी है मेवाड़ में बहुत ही गलत भी है। भारतीय जनता पार्टी का जितना भी वरिष्ठ नेता है ये गुलाब जी ने मुंडा पर कह चुका है कि आप जो बहुत गलत निर्णय की दो और जो आपने नहीं करना चाहो। वंदे मातरम की 143वीं वर्षगांठ पर मंगलवार शाम झीलों के